हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू यूर आर गुड सो टुडेज टॉपिक इज पास सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पास ट्रेंस सो वील स्टार्ट फ्रॉम सिंपल पास सो पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के बेस पर समझते हैं बच्चे पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बेस पर देखेंगे अगर हमारे सब्जेक्ट आई वी यू दे है देन यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है सेंग ओके इफ यू आर हैविंग द सब्जेक्ट इन अ सिंगुलर फॉर्म लाइक ही शी देन भी आप क्या यूज करने वाले पॉजिटिव के अंदर फॉर्म ही ठीक है आपके सब्जेक्ट से मैटर नहीं होता लेकिन यहां पर पॉजिटिव के अंदर आपको वी टू का ही यूज करना है नेगेटिव के अंदर आई वी यू दे देन यू हैव टू यूज डिड का यूज करेंगे और नॉट का डिड नॉट या फिर डेंट ठीक है डिड नॉट या डिड का मीन एक ही होता है और उसको कंसाइज करके बताया हुआ है और फिर यूज करने वाले हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक गोल्डन रूल को याद रखेंगे बच्चे जहां पर भी पास्ट टेंस के अंदर डिड का यूज होता है एज अ हैल्पिंग वर्ब तो आप मेन वर्ब जो होगी उसको फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे तो यहां पर आपने सेंग या संग नहीं लगाना ओनली सिंग का यूज करेंगे ही शी इट के साथ आपने डिड नॉट या डिड का यूज करेंगे देन सिंग का ही यूज करेंगे इंटेरोगेटिव के अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस की वो सबसे पहले आती है है ना तो इसलिए हम यहां पर क्या यूज करने वाले हैं डिड का पहले यूज करने वाले हैं अगर डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हो रहा है तो फिर आप वेन का यूज पहले करेंगे वैन डिड देन आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे आई वी यू दे और फिर उसके बेस पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे जो सिंग यहां पर लगी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटेरोगेटिव बना रहे हैं और ऐसे ही अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है ही शी इट में से है तभी भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भी लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क द पास्ट इन डेफिनेट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस कहां पर यूज होता है तो देखते हैं इनको टू एक्सप्रेस एक्शन दैट टुक प्लेस समटाइम्स इन द पास्ट आई पोस्टेड टू लेटर्स यस्टरडे वी स्टेड एट डेली फॉर टू वीक्स To express a habitual action in the past, Manav usually prayed in the morning. He learned his lesson every day. To express an action going on at the time started, as while Rohan played music, Saloni danced. Next, hai, past continuous tense. So, past continuous may positive, negative, or interrogative ke base per subject, I, he, she, it her. देन आप यूज करने वाले हो हेल्पिंग वर्ब के लिए यहां पर वोज का और फिर आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी मेन वर्ब के साथ आप क्या लगाने आई एन जी जैसे मेन वर्ब यहां पर क्या है सिंग तो हमने लगाया सिंगिंग अगर आपका सब्जेक्ट यू वी दे है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी वर इन पॉजिटिव सेंटेंस और वही वी वन के साथ आपका जो मेन वर्ब होगी उसके साथ आई एनजी एड करेंगे नेगेटिव में आई ही शी इट है देन यू यूज वॉज और नॉट नॉट फॉर नेगेटिव के लिए देन वॉज इट singing. सिंगिंग वी यू दे है वर का यूज करेंगे नॉट का यूज करेंगे weren't का भी कर सकते हैं और सिंगिंग या तो वर नॉट या फिर वॉन्ट इंटेरोगेटिव के लिए आपकी WH फैमिली के वर्ड्स वी दिया हुआ है देन हेल्पिंग वॉप को आगे रखेंगे वॉज आई ही शी इट में से कोई सब्जेक्ट आएगा वी वन के साथ आई एन जी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और ऐसे ही आपका वर्ग कहां पर लगेगा किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट वी यू दे है देन यू हैव टू यूज वी वन प्लस आई एनजी लास्ट क्वेश्चन मार्क द पास इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट है पास्ट एस सुमित वॉज प्लेइंग वेन यू केम द चिल्ड्रन वर टेकिंग लंच

फिर आपको यूज करना है वी थ्री का यूज करेंगे मीन्स थर्ड फॉर्म का सिंग तो यहां पर कौन सा यूज कर रहे हैं आप वी थ्री का यूज कर रहे हैं नेगेटिव के अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है सिंगुलर या प्लुरल में आपको यूज हैड नॉट करना है ठीक है हैड नॉट को ही आप कंसाइज करके लिखेंगे हैडेंट और वही वी थ्री का यूज करना है संग इंटेरोगेटिव के अंदर वेन डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड आ सकता है Then, आपकी main helping verb कौन सी है? Had है, फिर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यहाँ पर subject कोई भी हो, आपको V3 का ही यूज करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क द पास टेंस इज यूज करेंगे? टू एक्सप्रेस टू पास एक्शन इन सेंटेंस द एक्शन विच इज कम्प्लीट फर्स्ट इज पुट इन टू द पास टेंस एंड द अदर एक्शन which happens later is put into the simple indefinite or past tense as after i had purchased the scooter i went to see my cousin till i had returned home she did not close the door whenever mayank had stood first he got a prize to show an action that had been completed before a given time in the past as the patient had died before the doctor came the thief had run away before the police came i had reached the school before the bell rang next tense hai hamara past perfect continuous tense so positive ke andar i we you they he she it koi bhi subject ho sakta hai aapko use had been hi karna padega then first form ke sath ing since या फोर में से आप एक use करेंगे Since यहाँ पर morning के साथ use किया गया है और फोर को टू hours के साथ use किया गया है नेगेटिव के अंदर आपका सब्जेक्ट कैसी भी फॉर्म में हो आई वी यू दे ही शेट में से हैड नॉट या हैडेंट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग फॉर टू आवर्स फॉर फॉर पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का यूज कैसे करते हैं एग्जिक टाइम के लिए इंटेरोगेटिव के लिए डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड पहले आएगा वॉट देन हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे ही शीट में से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है देन यू हैव टू यूज बीन फिर सिंगिंग सिंस मॉर्निंग

वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर अ लॉन्गर एक्शन एंड द सिंपल पास टेंस फॉर शॉर्टर एक्शन टू शो सम्पन वेन अ लॉन्गर एक्शन वॉज गोइंग ऑन तो आपने यहाँ पर देखा हमने पास्ट को किस तरह से यूज किया और अलग अलग फॉर्म में यूज किया पास्ट के चारों पार्ट्स को पढ़ा है विद एक्साम्पल्स है ना और विद रूल्स के साथ और प्रॉपर तरीके से उनको कैसे सिक्वेंस वाइज ही फॉलो करके हम सेंटेंस को मेक कर सकते हैं वो भी सीखा है तो आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से वर्बली भी और रिटर्न करके भी तो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग